फूड लवर चैनल पे सभी लोगों का वेलकम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे घर पे पेपर बॉक्स बनाया जाता है। इस बॉक्स को बनाने के लिए जो सामान लगेगा वो सबके घर में ज़्यादातर टाइम रहता है, और इस बॉक्स में आप मिठाई के साथ साथ अपनी ज़रूरी सामान भी स्टोर कर सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं पेपर बॉक्स बनाने का प्रोसेस। पेपर बॉक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्केल लिया है, एक ब्लैक डॉट पेन लिया है, और स्टेपलर है, और एक सीजर है। आप ब्लैक पेन की जगह आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे है एक वाइट पेपर A4 साइज का। ये वाइट पेपर मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं जो लाइन ड्रॉ करूँगी वो कैमरे में अच्छे से आपको दिखाई दे। पेपर थोड़ा हार्ड होगा तो अच्छा है। अब मैं पेपर के नीचे वाले भाग में एक मेजरमेंट लेके एक लाइन ड्रॉ करूंगी जो बॉक्स का डेप्थ होगा, और फिर मैं ऊपर के साइड में भी उसी मेजरमेंट को लेके एक लाइन ड्रॉ करूंगी। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि पेपर के ऊपर वाले भाग में जो लाइन है और नीचे वाले भाग में जो लाइन है वो दोनों सेम होना चाहिए, मतलब सेम मेजरमेंट से आप उसको ड्रॉ करेंगे। अब जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है वहां से मैं पेपर को फोल्ड कर लूंगी। देखिए मैंने दोनों तरफ से पेपर को फोल्ड कर लिया है। अब पेपर को लेके दूसरे तरफ फोल्ड करना है। ये प्रोसेस आप ध्यान से फॉलो करें ताकि बीच में एक लाइन बन जाए। अब दूसरी तरफ से भी मैं वैसे ही पेपर को फोल्ड कर लूंगी। ऐसे करने से पेपर के बीच में दो लाइन बन जाएगा, वही हमारा बॉक्स का डेप्थ होगा। फोल्डिंग के बाद देखिए बीच में जो दो लाइन बन गया है, अब मैं पेन से उसको ड्रॉ कर लूंगी। इसके बाद मैं पेपर के ऊपर के भाग में और नीचे के भाग में जो मेजरमेंट लेके लाइन ड्रॉ किया था वही सेम मेजरमेंट लेके मैं पेपर के दोनों साइड में भी लाइन ड्रॉ करूंगी। बहुत ही इजी स्टेप्स है, आपको बस ध्यान से फॉलो करना है। अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपको पेपर बॉक्स बनाने के टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद पेपर के जो साइड का जो पोर्शन है उसमें जो चार लाइन बना है उसको अब कटिंग करना है। मिठाई का बॉक्स बनाने का वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको मन ही मन में ये भी जानने का मन कर रहा होगा कि घर पे हम मिठाई कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको मिठाई बनाने का वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारा मिठाई बनाने का वीडियो का लिंक दिया हुआ है। पेपर के दोनों साइड से ही मैं ऐसे पेपर कटिंग कर लूंगी। ये स्टेप्स आप ध्यान से फॉलो करें, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो आपका बॉक्स नहीं बनेगा। कटिंग हो जाने के बाद अब मैं फोल्ड कर लूंगी पेपर को। कटिंग हो गया है, अब इसको फोल्ड करना है। बीच में जो जगह है पेपर का बस उसी को फोल्ड करना है। स्टेप्स समझने में अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। पेपर का ऊपर वाला जो साइड था उसका साइड का पोर्शन भी मैंने कटिंग कर लिया है। अब देखिए पेपर देखने में ऐसा लगेगा। ऑलमोस्ट हमारा बॉक्स बन गया है। अब इसको स्टेपल करना है, बस दोनों साइड को पकड़ के स्टेपल करेंगे तो हमारा बॉक्स बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। पेपर बॉक्स बनाने के लिए जो पेपर आप यूज करेंगे वो पेपर थोड़ा सा हार्ड होगा तो स्टेपल करने के टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पेपर बॉक्स हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। अब इसका जो ऊपर वाला भाग है उसको थोड़ा सा कट कर लेना है। बस कट करने से ही हमारा बॉक्स बन जाएगा। है ना बहुत इजी घर में ही पेपर बॉक्स बनाना। आप भी बनाइए अपने घर में पेपर बॉक्स और मेरे साथ अपना ओपिनियन शेयर करें कमेंट बॉक्स में लिख के। आप अगर ये बॉक्स बनाने का प्रोसेस अपने घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो मैं पहले आपको बोलूंगी कि आप एक नॉर्मल पेपर से ही बॉक्स बनाएं, फिर आप बाजार से जो डिजाइन वाला जो पेपर होता है वो खरीद के
डिज़ाइनर बॉक्स बनाएं ताकि आपका जो बॉक्स है वो एकदम परफेक्ट बने। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये बिल्कुल फ्री है। मेरे वीडियोस किसी भी टाइम YouTube में देखने के लिए YouTube के सर्च बॉक्स में जाके फूड लवर प्रिया लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।